आप लोगों के घर में ऐसा तो जरूर देखने को मिला होगा कि आपने लगाया प्लग में और पूरा का पूरा बोर्ड ही फूक गया। इसका कारण होता है ये मेन हीटर। इस हीटर के हाई वोल्टेज के कारण और तार या फिर वायर के कमी के कारण ही पूरा का पूरा वोल्टेज फूक जाता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ आपके सामने लेकर के आया हूँ ऐसा बेहतरीन जुगाड़। आप अगर चूल्हे से थक गए हों या फिर आपके पास सिलेंडर ख़त्म हो गया हो तो वही आपके पास एक ही इलाज बचता है कि आप जो है इस जुगाड़ वाले हीटर को, मैं इसको जुगाड़ हीटर कहता हूँ, ये जुगाड़ हीटर से आप बढ़िया खाना बना सकते हैं। मैंने इसको न फूकने की न जलने की मैंने बहुत बढ़िया तकनीक जो है निकाली है। आप उसको पूरा का पूरा वीडियो देखिए और सीखिए कि इसमें क्या मैकेनिज्म है। तो ये सामने आपको दिख रहा है, ये दो तारें जो आपको जाती हैं, एक ठंडा एक गर्म होता है और इन दो तारों से ये मिल करके चलता रहता है। साथ में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको एक ऐसा ही जो ख़राब हो चुका है ऐसा ही आपको एक और स्प्रिंग लेना है। यही स्प्रिंग जो है आपका कटआउट का काम करेगा और आपके इस पूरे के पूरे हीटर को जलने से बचाएगा। आइए समझते हैं कि इस मैकेनिज्म के यह काम कैसे करेगा। तो देखिए, मैंने दो नीले तार यहाँ पर लगाए हैं। ये जो दो स्लॉट हैं, इन दोनों स्लॉट में मैंने नीला तार लगाया है और जो यहाँ पर जो पीला वाला तार दिख रहा है वो एक स्लॉट से है और एक लाल स्लॉट से है। तो किसी एक स्लॉट के बीच में कट कर लेना है और दिखाए गए वीडियो के अनुसार ऐसा ही आपको वहाँ पर स्प्रिंग को जोड़ देना है। ध्यान रखना, ये बहुत ही सावधानी पूर्वक हमको ये काम करना है क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। मैंने यहाँ पर छोटा लगाया हुआ है, आप छोटा भी लगा सकते हैं और अपने अनुसार बड़ा भी लगा सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने बीच में जो कटआउट लगाया है हमने उसको चेंज करके, मैंने आपको दिखाने के लिए मैंने बड़ा कटआउट यहाँ पर लगा रखा है और इस बड़े कटआउट से ज़्यादा कोई वो काम नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस इतना है कि मैंने आपको दिखाने के लिए कि यहाँ पर जो है इतना बड़ा चाहिए भी नहीं, हम छोटे से कटआउट के भी काम कर सकते हैं। चलिए अब प्लग लगा करके इसका हम टेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं कि ये एक तरीके से जो है एक्सपेरिमेंटल है और इसमें ख़तरा भी है, लेकिन सबसे मजे की बात यह है अगर आप इसको सावधानी पूर्वक करते हैं तो ये आपके हीटर को बहुत जल्दी जल्दी जो फूंक जाता है जिससे आप परेशान हो जाते हैं उनसे आप बच जाएंगे। चलिए हीटर को मैं प्लग ऑन कर देता हूँ। ये मेरा प्लग ऑन हो चुका है, देख लीजिए। और प्लग ऑन होते ही यहाँ से पावर सप्लाई भी ऑन हो चुकी है और देखिए ये पूरा का पूरा इसमें फुल करंट है, इसलिए इसको कभी ज़िंदगी में भूल करके भी छूना नहीं चाहिए। और अब हम देखते हैं कि क्या यह हमारा काम करता है। देखिए ये जो विद्युत परिपथ है, ये विद्युत परिपथ बीच में जो है कि घूम करके आ रहा है तो ऑटोमेटिक जो है कि हमारा वोल्टेज उधर से कम हो गया है। बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन इतना ज़रूर कम हो गया है कि अगर फूकेगा फटेगा तो उधर से फूके फटेगा। यहाँ जो आपको सामने दिख रहा है ये हीटर, यहाँ से आपको ज़्यादातर फूकने के चांस नहीं रहते। आप देख सकते हैं कि जो मेरा स्प्रिंग है वो बहुत ज़्यादा कितने जगह से जल चुका है, लेकिन फिर भी मैं इसको जुगाड़ से चला रहा हूँ। बहुत ज़्यादा जब इससे मैं परेशान हो गया तब मैंने यही उपाय निकाला था और आप भी ऐसा ही उपाय करके इस हीटर को जल्दी जल्दी फूकने से बचा सकते हैं। दोस्तों इसके लिए कोई ऐसा कम करने का या फिर लाइट कम करने का, करंट कम करने का कोई ऐसा कोई आता नहीं है, ठीक है। मैं एक बार पंखे से भी मैं लगा चुका था, पंखे का जो है कि मैंने कटआउट लगा चुका था बट वो भी काम नहीं आया। तो आखिरी में इसी का स्प्रिंग जो है मैंने कटआउट बना कर काम किया है, बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत बढ़िया तरीके से ये चल रहा है। दोस्तों साथ में एक निवेदन कर दूँ, यदि वीडियो पर आप नए हैं तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा अच्छे वीडियो को, ताकि जो है जो भी भाई लोग परेशान होते हों वो जो है कि इस छोटे से जुगाड़ के तहत जो है अपने बार बार फूकने की समस्या से उनको जो है उनको निजात मिलेगा, वो दूर होंगे इन सब चीज़ों से। देखिए जब आप जब बहुत ज़्यादा जब हीट होगा तो ये जो तार गर्म होने लगेगा। ध्यान रखना कि इसे बच्चों के पहुंच से दूर रखना है और इसमें किसी प्रकार का कोई भी एलिमेंट या फिर किसी प्रकार का कुछ भी टच नहीं होना चाहिए। बेशक जो है आप इसको बहुत ही सुंदर तरीके से रखाएं, ऐसा करेंगे तो आप ऐसे जो चूल्हे से अगर खाना बनाते हो तो चूल्हे से खाना बनाना आपका दूर हो जाएगा, साथ में अगर कोई हीटर वगैरह हो तो उससे दूर हो जाएगा। ये देखिए अब मैं इसके ऊपर पानी डाल रहा हूँ, ये पानी जो है जी आप सही समझ रहे हैं, ये पानी इसको ठंडा नहीं करेगा। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जो है कि इसमें करंट जो है कि बहुत ही हाई है, ये तुरंत पानी को सुखा दे रहा है। और अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है तो उसको पानी डालकर ठंडा भी कर सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि हीटर के इसमें डालने से फूक जाता है, लेकिन देखिए ये हीटर के पानी वानी गिरने से फूकता नहीं है, बस एक करंट जो विद्युत परिपथ होता है वो अवरुद्ध हो जाता है। देखिए मैं दोबारा यहाँ पर जल गिराता हूँ
और ये मैंने थोड़ा सा पानी गिराया, देखिए वहाँ पर जो है तुरंत जो है वो वहाँ से विद्युत परिपथ रुक जाएगा और यहाँ से देखिए आया चट चट की आवाज़ आने लगी। क्यों? क्योंकि लोड जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा पड़ने लगा है। कुछ भी अगर उबल करके गिरता है लोड बहुत ज़्यादा पड़ेगा। और यहाँ पर मैं अपना सामान सब्जी रखा था, इसी पे खाना बनाऊँगा। अब मैंने छोटा सा कटआउट यहाँ पर लगा दिया दोस्तों, इन छोटे से बस इतना ही आपको लगाना है, बस यही कटआउट जो है आपको उधर यानी कि जो आपका हीटर है उस हीटर को फूकने से बचाएगा। और यहाँ पर ऐसे लाल हो रहा है तो लाल होने दीजिए, बार बार यही फूकेगा वो नहीं फूकेगा। अभी मैंने इस पर दूध रखा हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से गर्म हो रहा है। देखिए अभी जैसे यहाँ पर मैं यहाँ पर फूका नहीं है, लेकिन मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। अगर यहाँ से अगर फूक जाता है तो आपको बहुत ही सावधानीपूर्वक बस इसको यहाँ पर लगा देना है, बहुत ही हाँ बस ऐसे आराम से इसको यहाँ पर लगा देना है। देखिए ये बार बार जो है मैं आपको इसलिए करके दिखा रहा हूँ, लेकिन इस काम को बहुत ही सावधानीपूर्वक करना है, किसी गिलास से या फिर पेचकस से, ठीक है, आपको डायरेक्ट इसको हाथ नहीं लगाना है। ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि घर से आने वाले जो एकदम हाई वोल्टेज बिजली होती है, जो आपके घर में जो सप्लाई होगी, वही इस समय आपके हाथ में लगने की संभावना रहेगी, जिससे जान माल हानि की संभावना बनी रहती है। तो दोस्तों इसको बहुत ही सावधानीपूर्वक से आपको करना है। और इसको देखिए आराम से जब इसको छुआते तो कितना चट चट की आवाज़ आती है, लेकिन उसको हम आराम से इसको हम सटाएंगे। देखिए अब ये सट गया, ठीक है। अभी मैं इसको दोबारा छुड़ा रहा हूँ, छुड़ा करके दोबारा दिखाता हूँ। ये देखिए ये आराम से इसको सटाएंगे तो ये बहुत तेज जो है कि स्पायरिंग होती है। हमें इससे डरना नहीं है, ठीक है, हमें बस इसको इससे बस टच कर देना, टच होते ही ऑटोमेटिक चिपक जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत तेज करंट होता है और हमें कभी भी करंट से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। देखिए जैसे ही गर्म होगा ये लाल हो जाएगा, ठीक है, लेकिन यही जो है कटआउट का काम करेगा और हीटर कभी ज़िंदगी में आपका फूकेगा नहीं। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कीजिएगा, हमें मोटिवेटेड जरूर कीजिएगा।